हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिज़ाइनर फंदे डालना सिखाऊंगी। आपको अपने धागे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आपका धागा ज़्यादा पतला है तो आपको 5 से 6 बार कर लेना है। अगर मोटा है तो फिर 4 बारी में ही चल जाएगा। आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ डिज़ाइनर फंदे बनाने का। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो तब भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। अब मैं एक होल बना रही हूँ। इसमें आपको अपनी सिलाई डालनी है, जिसमें भी आपको फंदे डालने हैं, और इस तरह से खींच लेना है। एकदम टाइट खींचना है ताकि फंदे साफ सुथरे दिखें। उसके बाद आपने ये सिंगल वाला धागा है किसी चीज़ से टाइट करके बांध लेना है या पकड़ लेना है, और फिर अपने फंदे डालना स्टार्ट करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ऊपर की तरफ धागे को इस तरह से लेना हाथ में, और ऊपर की तरफ इसे मोड़ लेना है, और फिर फिंगर की मदद से इस सिंगल वाले धागे को पकड़ना है और सिलाई के ऊपर ले लेना, और फिर इसे खींच लेना है और टाइट खींचना है ताकि आपके फंदे सफाई से दिखें। और उसके बाद दोबारा हमने नीचे की तरफ करना है, और फिर से ये धागे को पकड़ना है और सिलाई के ऊपर चढ़ा लेना है। फिर वही करना है, मैं एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। ये धागा आपने इस हाथ में लेना है, और ये दो उंगलियों की मदद से ये सिंगल वाला धागा पकड़ना है और इस होल के अंदर से निकालना है और सिलाई के ऊपर चढ़ा लेना है, और फिर ये खींच लेना है। फिर से नीचे की तरफ से मोड़ना है यूं, और दो उंगलियों की मदद से ये सिंगल वाला धागा पकड़ना है और सिलाई के ऊपर चढ़ा लेना है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक बार हमने ऊपर की तरफ मोड़ा, एक बार हमने नीचे की तरफ से करना है। ये ऊपर से मोड़ा और ये सिंगल धागे को सिलाई के ऊपर ले लिया और खींच लिया। मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने डिज़ाइनर फंदे डाल के कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वेटर का बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू फ्रेंड्स।